नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। विगत दिनों पूर्व जिला अस्पताल में एक बच्चे की मौत से हड़कंप मच गया। परिजनों का आरोप था कि बच्चे को हार्निया के ऑपरेशन के लिए जिला अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने मासूम को बेहोशी का डबल डोज दिया, जिसके कारण बच्चा गहरी नींद में सो गया और वह दोबारा होश में नहीं आया। अभी इस मामले को कुछ ही दिन बीते थे कि डॉक्टरों की लापरवाही का एक और मामला सामने आ गया। दरअसल यह मामला सिविल अस्पताल त्योंथर का है, जहां इलाज के दौरान 8 माह के मासूम की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। परिजनों ने समय पर उपचार ना करने का आरोप लगाया, जिसके बाद वे ग्रामीणों के साथ एसडीएम आवास के सामने मासूम का शव रखकर कार्रवाई की मांग करने लगे। जानकारी के मुताबिक त्योंथर के वार्ड क्रमांक 4 निवासी अशोक वर्मा के 8 माह के बच्चे श्रेयांश को उल्टी दस्त की शिकायत थी। परिजन बच्चे को इलाज के लिए त्योंथर के सिविल अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान ही उसकी मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद परिजन लापरवाही का आरोप लगाते हुए आक्रोशित हो गए। लोगों का कहना है कि आए दिन अस्पताल में इसी तरह की लापरवाही बरती जाती है। पूरे मामले में त्योंथर एसडीएम का कहना है कि मुझे स्टाफ और डॉक्टरों की लापरवाही से संबंधित कुछ शिकायत मिली है, जिसके लिए मैं सीएमएचओ से पत्राचार करूंगा। स्वास्थ्य व्यवस्था 1 सप्ताह के अंदर दुरुस्त करवाएंगे। अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक गैस्ट्रिक स्प्लिट के कारण उसकी मौत हुई है। मौत की असल वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता लग पाएगी। गौरतलब है कि यह कोई पहला मामला नहीं है जब डॉक्टर्स की लापरवाही से मासूम की जान गई हो। इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि जिम्मेदारों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती। एक तरफ उपमुख्यमंत्री रीवा को मेडिकल हब बनाने की बात कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ उचित इलाज ना मिलने के कारण मासूम अपनी जान गंवा रहे हैं। अब देखना जरूर होगा कि इस पूरे मामले पर क्या कार्यवाही की जाती है। ये बच्चा कल बीमार होके आया था हॉस्पिटल में, इसकी माँ वहीं पर एडमिट है और ये 1-1.5-2 साल का लगभग बच्चा है, 1.5 से 2 साल के बीच का। तो यहाँ पर प्राइमरी इलाज करके और एक सिरप वगैरह दिया गया था और इसके बाद वो लोग ले गए हैं वहाँ, घर ले गए। घर के बाद उसमें शायद डॉक्टर साहब लोगों का कहना है कि उन्हें दूध पिला दिया है, तो शायद उससे नली में उनके कुछ दिक्कत आ गई है। ये सब चीज़ें मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही हम बता पाएंगे और डॉक्टर साहब लोग बता पाएंगे। उनकी जो मांगे हैं कि यहाँ का स्टाफ बदला जाए, उस संबंध में डीएमओ साहब से चर्चा हो चुकी है और वो आज ही पत्राचार करेंगे। यहाँ पे कुछ स्टाफ की और जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स हैं उनकी लापरवाही के बारे में मैं इसके बारे में सीएमएचओ सर से आज पत्राचार करूँगा और मैं आश्वासन देता हूं कि मैं ये सब व्यवस्थाएं 1 सप्ताह के बीच में सब सुधार करने की पूरा प्रयास करूँगा।